तो यही है गाइस बैंगलोर का कम्मन हल्ली का रेट कार्ड एंड अर्निंग्स प्रूफ। अगर आपको बैंगलोर में आना है, काम करना है, अभी भी टाइम है, तो कम्मन हल्ली के एरिया में आप काम कर सकती हो। अच्छा अर्निंग्स है, अच्छा ऑर्डर्स भी है, वहाँ पे ज़्यादा पीजी वगैरह है, होटल वगैरह ज़्यादा है, तो आप जो है यहाँ पे काम कर सकती हो। तो अगर जोमेटो में ज्वाइन करना है, कम्मन हल्ली में काम करना है, तो मेरे साथ चैट करो व्हाट्सएप में, मैं आपको रेफ़र कर देता हूँ। उसके बाद आपका कुछ भी डिटेल्स, कुछ भी तकलीफ हो, मैं आपको लाइव में हेल्प करने वाला हूँ। आपका आईडी कभी भी डीएक्टिवेट होना, कैंसिलेशन होना, डेनियल हो जाना, इस तरीके से प्रॉब्लम आपको होने नहीं दूंगा, और लाइव में आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से सपोर्ट के लिए, इस तरीके से मेरे तरफ से सर्विस के लिए आप जो है मेरा रेफरेंस से ही ज्वाइन करो। उसके बाद आपको बहुत कुछ फ़ायदा ही फायदा है। सब्सक्राइब करें लर्निंग इज लाइफ यूट्यूब चैनल को, बेल का घंटी दबाए हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुशी होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका काम है यही है कि आपने हमारा ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ये हमारा ग्रुप है लर्निंग इज लाइफ। ये एक्चुअली हमारा जो है ऑफिशियल, इस हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसका ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ के अंदर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे आप देखोगे आपका ऑल ओवर बैंगलोर, ऑल ओवर इंडिया का सभी बंदे लोग यहाँ पे है, और बहुत कुछ जो है यहाँ पे फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी को। कुमराज भाई का कल का भी डेली टारगेट जो है हो गया है, और इतना इतना तकलीफ करने वाला बंदा है, इतना हाई वर्कर है, इतना हार्ड वर्कर है बंदा, डेली का डेली टारगेट जो है इस तरीके से करते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरा के पूरा जो टारगेट है ना, पूरा के पूरा टारगेट यहाँ पे इन्होंने करके दिया था। ठीक है, कल के दिन में भी ये ग्रुप तो आपको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपको मैं और एक काम देता हूँ कि जो है आपको ये वाला जो प्लेलिस्ट है, ये वाला प्लेलिस्ट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला प्लेलिस्ट क्या है? जोमेटो रेट कार्ड एंड सैलरी। अगर ऐसा आप लिखोगे यूट्यूब के अंदर जोमेटो रेट कार्ड एंड सैलरी बाई लर्निंग इज लाइफ, यहाँ पे आपको टोटल 14 वीडियोज़ मिल जाता है। वीडियो के अंदर क्या क्या मिलता है मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे दिल्ली मुखर्जी नगर का रेट कार्ड एंड सैलरी, जम्मू का सैलरी, उसके बाद आप देखोगे बैंगलोर का वीरेंद्र भाई का सैलरी, उसके बाद देखोगे कि कम्मन हल्ली बैंगलोर का सैलरी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर का सैलरी और अर्निंग प्रूफ रेट कार्ड, जलंधर का, जम्मू का फिर से, कोरमंगला, एक लेडीज़ का रेट कार्ड जो है ई साइकिल का। तो इस तरीके से आप जो है रेट कार्ड और सैलरी प्रूफ वगैरह आप देख सकते हो। तो ये आपको देखना है, इसका लिंक हो सके तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग वीडियो का कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको जो है कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बट उससे पहले अगर मैं नहीं दे सका तो आप जो है यूट्यूब में जाकर सर्च कर लेना। चलो उसके बाद एक काम जो है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा डायरेक्टली, और एक सेकेंड में देख लेता हूँ। चलो ये तो ओपन नहीं है, कुमराज भाई का यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहता था सब कुछ, तो चलो देखते हैं एक मिनट कहाँ चले गया। तो यही है, देखो भाई इतना हार्ड वर्क करता है, सुबह में 6 बजे से लेकर जो है रात को 10-11 बजे तक काम करते हैं। तो यही है बंदा, ये है उनका रैंकिंग करेंट में, इन्होंने जो है अभी फर्स्ट नंबर रैंक में है, और मैं वीकली रैंकिंग आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर रैंक में है, उसके बाद देखो 8 नंबर रैंक में है। बोला था कि उस दिन जो है संडे के दिन में काम नहीं किया था, नहीं तो 2-3 में आ जाता था। तो और एक बार जो है फर्स्ट रैंक में है, फर्स्ट रैंक राजू बन रहा था, उसके बाद जो थर्ड रैंक में है। तो इस तरीके से जो है रैंकिंग, अगर आप लोग जो है कंप्लेन करते रहते हैं ना भाई कि हमारा सिटी में ऑर्डर नहीं है, हमें अर्निंग नहीं मिलता है, तो फुल डे काम करो, फुल डे काम करो, हार्ड वर्क करो, जितना हो सके लॉग इन आवर्स दो। उसके बाद भी अगर आप रैंकिंग के 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर आ जाते हो, टॉप 10 रैंकिंग के अंदर आ जाते हो, टॉप 10 भी छोड़ो यार, अगर आप टॉप 50 के अंदर आ जाते हो ना, आपका अर्निंग्स मस्त बनता है। ठीक है, तो अगर आप टॉप 50, टॉप 10, टॉप 5 के अंदर आ जाते हो, उसके बाद अगर आप मुझे कंप्लेंट करते हो कि ऑर्डर नहीं है, अर्निंग ज़्यादा नहीं है, तो मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। मगर आप लोगों की तरफ से है ना वो चाहिए कि आपका हार्ड वर्क चाहिए, टाइम ही देना चाहिए, लॉग इन आवर्स देना चाहिए, तभी जाके आप कंप्लेन करो कि ऑर्डर नहीं आ रहा है। और बैंगलोर का कोई भी अगर रेट कार्ड देखना चाहते हो तो यही है गाइस रेट कार्ड। ठीक है, देख लेना, और रेट कार्ड देखो यही है रेट कार्ड, ये है मंडे टू फ्राइडे का ये रेट कार्ड। ठीक है, सैटरडे संडे चेंज हो जाता है। तो 250 में 80, 400 में 125, 600 में 175, 800 में 250, 1000 में 350 और 1200 में 400, और ये कहीं ना कहीं वैरी होता है थोड़ा सा इधर उधर, 50-60-20 रुपये इस तरीके से जो है वैरी होता है। ठीक है, आप लोग देख लेना। 2 अगस्त से 8 अगस्त तक इनका जो है अर्निंग्स देखो, डेली का 1500, 1600, 1400 जो डेली का अर्निंग्स है। उस वीक में उन्होंने 143 ट्रिप्स लिया था, 9900 का अर्निंग्स हुआ था, और ये है 9900 का अर्निंग का जो है टोटल हिस्ट्री। ये वीक में 185 ऑर्डर लिया था, 12000 कम्प्लीट हो गया था। डेली का देखो 1800, 1700, 2000 इस तरीके से जो है इनका अर्निंग्स। और यहाँ पे देखो आप इसका डिटेल्स, ये वाला वीक में आप देखो संडे के दिन में काम नहीं किया था, तो ओनली 150 ऑर्डर्स मारा था, 9900 अर्निंग्स किया था।
और डेली का 1800, 1600, 1500 ये आप लोगों के सामने ही है, और ये है इसका डिटेल्स, इस वीक का डिटेल्स। उसके बाद देखो ये वाला वीक में 176 ऑर्डर मारा था, 12,000 हो गया था, और डेली का अर्निंग देखो 1600, 2100, 1800, मतलब बंदा जो है कितना हार्ड वर्किंग गाय है ये आपको देख के ही मालूम चलता है। तो ये है 12,200 का अर्निंग्स का जो है टोटल डिटेल्स, ये आप देख लो। यहाँ पे देखो ये मंथली का है, और मंथली में कितना है 738 ऑर्डर्स मारा है अभी ने, अभी तक भाई ने कमाया है 49,763। उसके बाद भी एक दिन काम नहीं किया था, संडे के दिन में बोल रहा था अगर वो संडे के दिन में काम करता उस दिन तो ये जो 49,000 है कहीं ना कहीं 51,000, 52,000 भी हो सकता था, या फिर 50,000 भी हो सकता था। ये है डिटेल्स। ऑर्डर पे है 34,000, टारगेट पे है 11,000, सार्ज पे है 2,400, लॉग इन आवर्स गारंटी है, आदर्श है, और कस्टमर टिप्स दिया था पूरा मंथ पे उनको 1,500। देखिए भाई अरमान भाई, मेरा लॉगिन ओवर आपको मालूम बोला था आपको, मैं 12 से 15 घंटा मैं डेली का लॉगिन रहता हूँ, दिन में बोला तो वही सुबह 6 बजे से लेके 4 बजे तक, और 4 बजे से लेके 10, 10:30, कभी तो लेट होता तो 11 बजे तक, ऐसे ही मेरा लॉगिन रहता है। क्या करना अरमान भाई, बहुत कमिटमेंट ज़्यादा है ना भाई, इसलिए इतना मेहनत करके इतना कमा रहा हूँ यार, नहीं तो मैं क्या कमाता बोलो, तो कमिटमेंट नहीं होता तो मैं इतना काम ही नहीं करता। सुबह आता 10 बजे को आता, 3 बजे जाके, 4 बजे को आके, और फिर 10 बजे को ऐसा करता था मैं, क्या करना भाई, बहुत कमिटमेंट है भाई, मेहनत करना पड़ रहा है भाई बहुत ज़िंदगी में। क्या भी नहीं अरमान भाई, अभी एक 2 साल करने का इतना मेहनत, 2 साल के बाद पूरा फ्री रहेगा, लाइफ टाइम फ्री रहेगा, क्योंकि 2 साल के बाद मेरा पूरा कर्जा पानी भी हट जाएगा, पूरा एकदम बिंदास लाइफ जिएगा 2 साल के बाद। अभी बताए अभी 2021 ना, 2022-23 के एंड में पूरा मेरा जिंदगी पूरा स्वर्ग जैसा बन जाएगा तब तक। यार ना अरमान भाई, मेरा रैंकिंग तो अच्छा रहता है मालूम है, नहीं तो मैं एक में तो नहीं रहता, एक में तो वो एक ही वो 9 से लेकर 15 तारीख के उसमें आया था, क्योंकि वो टाइम में जरीन तक का थोड़ा छुट्टी था, 2 दिन छुट्टी लिया था वो आदमी, इसलिए वो मैं एक रैंक में आ गया, नहीं तो मेरा एक 2 से लेकर 3 तक तो मैं हमेशा रहता हूँ भाई। और एक उधर है ना 8 नंबर पे, वो टाइम में संडे काम नहीं किया इसलिए मैं 8 नंबर पे आ गया, नहीं तो वो टाइम में भी मैं सेकेंड रैंक में तो मैं रहता। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। थैंक यू, बाय बाय।